नमस्कार। जुलाई 2023 में मैंने 8 दिवसीय UHV का कार्यक्रम अटेंड किया था, और उसके बाद अगर मैं आज देखूं तो कुछ अपने आप में बदलाव महसूस करता हूं, वो संक्षिप्त में आपके सामने बता रहा हूं। तो एक तो बदलाव ये है कि अपने शरीर की तरफ ध्यान देना शुरू किया है, और हर रोज 1 घंटा ग्राउंड में मैं व्यतीत करता हूँ। दूसरा, मैं जो परेशान था अपने वजन से, ओवर ईटिंग ज्यादा कर लेता था, तो अभी ओवर ईटिंग जो है वो भी कुछ थोड़ी बहुत कंट्रोल हुई है। फिर तीसरा जो बदलाव देख रहा हूँ, मोबाइल मोबाइल की एक तरह से एडिक्शन थी, और अब मोबाइल की जो यूसेज है अप्रिशिएबली कम हुआ है। जो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था। और उस 8 दिवसीय कार्यक्रम में जो मेरे लिए बिल्कुल एक नई बात थी, जो मुझे पहले नहीं पता था, वो ये थी कि भाई इंटेंशंस प्रत्येक व्यक्ति की शुद्ध होती हैं, प्योर होती हैं। तो ये चीज मेरे लिए बिल्कुल नई थी। अब भी ये जो चीज है ये कंटेंट मेरे पास आया है, पर अभी इन सिमुलेशन में मुझे लगता है इसको डाइजेस्ट करने में समय लगेगा। तो जैसा कि बाकी पार्टिसिपेंट्स भी महसूस करते हैं कि इस UHV कोर्स के बाद अपने परिवार के साथ समय इंसान ज्यादा क्वालिटी का देना शुरू करता है, तो वैसा वैसा मेरे साथ भी हुआ। और अपने अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो मेरे साथ मैनेजर्स रहते हैं, 5 मैनेजर्स। तो पहले मेरे साथ होता था कि भाई अगर वो लेट आ गए हैं या छुट्टी मांग ली है तो मैं काफी इरिटेट हो जाता था, और अगर उन्होंने कोई गलत तरीके से बिहेव कर दिया या थोड़ी बदतमीजी कर दी है या कोई बिहेवियर ठीक नहीं है तो उनको बहुत ज्यादा उनको दंडित करने का मन करता था। पर अब उसमें अब उनके साथ जो इंटरेक्शन है उसमें एक संयम आना शुरू हुआ है। तो ये तो था पर्सनल शेयरिंग। अब मैं बताता हूँ ये इसके बारे में, जो हमने लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम किया 24 नवंबर को, उसका जो ब्रोशर है वो आपके सामने इस वक्त प्रस्तुत है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि प्रोफेसर रजनीश अरोड़ा जी, प्रोफेसर कुमार संभव जी, राजू अस्थाना जी और जितेंद्र नरोला जी, ये सब लोग एज रिसोर्स पर्सन उसमें रहे, और 1 दिन का ये कार्यक्रम था। तो इसका पर्पस जो था वो था कि भाई टू शेयर द विजन ऑफ होलिस्टिक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एंड द क्रूशियल रोल ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड टू असिस्ट यूनिवर्सिटीज इन डेवलपिंग देयर प्लान एंड प्रोग्राम फॉर UHV एंड ह्यूमन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो इसका अगर कार्यक्रम की बात करें तो इसमें 4 इंटरकनेक्टेड सेशंस थे। तो सबसे पहले तो बताया गया कि व्हाट इज द नीड ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स, और इसमें हवाला दिया गया, रेफरेंस दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, AICT के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, UGC के डॉक्यूमेंट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन सब का रेफरेंस देके बताया गया कि भाई ह्यूमन वैल्यूज की जरूरत है। देन द प्रपोजल ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज दैट एड्रेसेस दीज नीड्स, उसको प्रपोज किया गया। और फिर उसके बाद एक पूरा ओवरव्यू ऑफ द कोर कंटेंट ऑफ UHV था, वो बताया गया, और बाद में स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस फ्रॉम द पैनलिस्ट जो आई उनको कंपाइल किया गया। तो इस कार्यक्रम में 126 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से कि आप देखेंगे कि 16 वाइस चांसलर्स थे, 4 डायरेक्टर्स थे, NIT कुरुक्षेत्र, NIT जलंधर, निटर, संत लौंगोवाल, 25 प्रिंसिपल डायरेक्टर्स थे, 1 रजिस्ट्रार, हमारे पंजाब विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के मेंबर्स 7 थे, 31 प्रोफेसर्स, 8 चेयरपर्सन, 15 डीन्स, 5 और बाकी और 33 लोग थे। तो कुल मिला के 126 लोग थे, जिसमें कि 16 वाइस चांसलर्स की मौजूदगी होना और 4 डायरेक्टर्स, तो 16 4 20 हो गया, और उसके बाद 25 प्रिंसिपल डायरेक्टर्स, तो
तो 45 के करीब ऐसे लोग थे कि जो काफी लीडरशिप पोजीशंस में है। अगर हम डीन एकेडमिक को भी मिला लें तो 45 प्लस 5, 45 जमा 5, 50, 50 ऐसे लोग थे कि जो बहुत ही डिसाइडिंग पोजीशंस पे इस वक्त अपना सेवा दे रहे हैं। तो इसमें ये सारा कार्यक्रम जो है 24 नवंबर को था ये कार्यक्रम, तो 24 अक्टूबर से हमने काम शुरू कर दिया था इसके ऊपर। तो 24 अक्टूबर से जब काम शुरू किया तो इसमें सबसे बढ़िया बात तो ये हुई कि हमें टीम बड़े आसानी से बन गई, और टीम आसानी से इस वजह से बन गई क्योंकि जुलाई के महीने में हमने 8 दिवसीय एक UHV का कार्यक्रम किया था, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उस फैकल्टी डेवलपमेंट में 35 टीचर्स ने ट्रेनिंग ली थी। उन 35 में से 6-7 ऐसे टीचर्स निकल कर आए जिनकी UHV में उनका गति बनी और उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। तो एक बड़ी अच्छी टीम हमें मिल गई 6-7 यूनिवर्सिटी के टीचर्स की, जो कि इस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए वॉलंटियर जिन्होंने किया। तो फिर जो ये थे लोग 6-7 थे, तो पहले क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का को कोऑर्डिनेटर हूँ UHV का, तो पहले ऐसा लगा कि भी बहुत बड़ा काम है, कैसे होगा। तो पर जब फर्स्ट और सेकंड मीटिंग ही हुई और जो टीम का जो एंथुजियाज्म देखा, और दूसरी तरफ से NCCIP की जो टीम है उनका सपोर्ट नजर आया, जिसमें कि जितेंद्र भैया, मुंशी भैया, जयपाल जी, प्रियदर्शनी दीदी जी और रजनीश अरोड़ा जी, उन सबका जब सपोर्ट समझ में आया तो फिर समझ में आ गया कि अरे ये तो आराम से हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। मतलब ये पहले दूसरे दिन ही मेरे को बड़े अच्छे से आभास हो गया था कि ये तो आराम से हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा और कोई ज्यादा वजन मेरे ऊपर नहीं आएगा। और हुआ भी ऐसा ही, टीम में सबने काम किया और किसी के ऊपर ज्यादा काम नहीं आया, थोड़ा थोड़ा काम। तो मैं पीछे मुड़ के आज बात ही कर रहा था जितेंद्र भैया से कि भैया मेरे को अगर मैं अपना काम देखूं तो मेरे को अपना काम तो बस इतना ही नजर आता है कि आपकी तरफ से कुछ मेरे पास मैसेज आते थे व्हाट्सएप के, और उनको मैं यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके पास भेजता था और वो आगे उसको फिर उसके ऊपर एक्शन ले लेते थे। तो मेरे ऊपर पर्सनली इतना कोई ज्यादा काम नहीं आया, ये एक चीज मेरे लिए बड़ी अच्छी रही। और दूसरी टेक अवे ये था कि वॉलंटियरिंग के दौरान बड़े ही नेचुरल तरीके से, सहज रूप से अपने आप ही UHV का कंटेंट भी सामने आने लग जाता है, और UHV की टीम के साथ जब इंटरेक्ट करते हो तो UHV अपने लिविंग में लाने में सहायता मिलती है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है वॉलंटियरिंग करना बहुत ही अच्छा है। UHV को अगर समझना है, उसको डाइजेस्ट करना है कंटेंट को, तो वॉलंटियरिंग करनी चाहिए और वॉलंटियरिंग से कंटेंट जो है वो जीने में आने में सहायता मिलती है। तो 24 अक्टूबर को हमने काम स्टार्ट किया था। सबसे पहले बात आई डाटाबेस की, तो डाटाबेस जो था कुछ हमारे पास था, कुछ NCCIP के पास था, कुछ इकट्ठा किया प्रीतिका सप्रा जी ने, डॉक्टर प्रीतिका सप्रा जी ने, उन्होंने सारा हरियाणा का डाटा इकट्ठा किया। तो थोड़ा थोड़ा सबने डाटा इकट्ठा किया तो बहुत बढ़िया डाटाबेस बन गया। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि सबसे पहला काम डाटाबेस बनाने का होता है, 3-4 दिन लग जाते हैं पर उसको बड़ा अच्छा बन जाता है। फिर उसके बाद सुझाव आया रजनीश जी की तरफ से कि हम इस डाटा को वेरीफाई करें। तो वेरीफाई करना था डाटा, काफी ज्यादा डाटा था कि भाई जो आपने वाइस चांसलर्स के नाम लिखे हैं कि वाकई वो इस वक्त भी वाइस चांसलर हैं कि नहीं है, वो देखना चेक करना जरूरी है। अदरवाइज किसी वाइस चांसलर के पास चिट्ठी चली जाती है कि भाई पर नाम कोई और लिखा हो तो अच्छी बात नहीं। तो हमने सारा डाटा को वेरीफाई किया, तो पता लगा डाटा में मिस्टेक्स रहती है, तो काफी मिस्टेक्स थी डाटा में, उसको ठीक कर लिया सारे डाटा को। फिर उसके बाद उनको ईमेल सारी NCCIP की तरफ से ही गई थी, और टीम मीटिंग्स हमारी रेगुलरली होती रहती थी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी की हमने डाटा में से फर्स्ट प्रायोरिटी किसी को अंकित किया, किसी को सेकंड प्रायोरिटी किया, किसी को थर्ड किया। जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले लोग थे उनको फोन किया और ईमेल की, तो फोन में भी टीम में डिवाइड हो गया, आसानी से हो गया, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। सेकेंड प्रायोरिटी वालों को कर दिया, थर्ड प्रायोरिटी वालों को कर दिया। तो हम एक्सपेक्टेशन ये थी कि 10 से 1 वाइस चांसलर आ जाएं और 10 से 1 बोर्ड ऑफ स्टडीज के लोग आ जाएं।
तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी एक्सपेक्टेशन से तो कहीं ज्यादा था। हमने 10 वाइस चांसलर एक्सपेक्ट किए थे पर, और एक्चुअल में 16 वाइस चांसलर आए, दूर दूर से भी आए, कश्मीर तक से आए, कश्मीर के वाइस चांसलर भी आए। तो इस तरह से बोर्ड ऑफ स्टडीज के भी लोग इसमें आए, और बोर्ड ऑफ स्टडीज इसलिए क्योंकि बोर्ड ऑफ स्टडीज हमारे विश्वविद्यालय में स्कीम एंड सिलेबस बनाता है। तो बोर्ड ऑफ स्टडीज के कन्वीनर आने से ऐसा होता है, अगर वो कन्विंस हो जाते हैं तो वो उसको बोर्ड ऑफ स्टडीज में एजेंडा आइटम बना सकते हैं। ये शेड्यूल है, 9 से 10 इनोग्रेशन हुआ, 11:30 से 1 होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड रोल ऑफ एजुकेशन कुमार भैया ने दिया। तो जैसा कि हम हमेशा देखते हैं कि जो फर्स्ट सेशन होता है उसमें काफी लोगों के प्रश्न रहते हैं, कोई वाद विवाद भी करते हैं, कोई असहज भी महसूस करने लग जाते हैं। तो फर्स्ट सेशन तो काफी उस तरह का था, और कुमार भैया को हम मॉर्निंग सेशन में उनकी आवाज सुनते हैं हमेशा। तो मेरे मन में था कि भी उनसे कभी मिलना हो जाएगा तो कितना बढ़िया हो जाएगा। तो ये एक बड़ा मेरे लिए बड़ा सुखद एहसास था कि कुमार भैया से के दर्शन भी हो गए, उनसे बातचीत भी हुई और कंटेंट के ऊपर भी पर्सनली 1-to-1 डिस्कशन हुई। तो ये मेरे लिए बड़ा एक फायदे की चीज रही। फिर 1 से 2 लंच ब्रेक था, 2 से 3:30 कुमार भैया ने दोबारा बताया ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन रिलेशनशिप ट्रस्ट के ऊपर। और ये जो सेकंड सेशन था इसमें फिर ठहराव आ गया थोड़ा, और लोगों ने थोड़ा सा समझना अच्छे से शुरू किया, उसके ऊपर तवज्जो देनी शुरू की, अप्रिशिएट किया सेशन को, और कंटेंट उनके अंदर जाना लगा, और थोड़ा उन्होंने एक्सप्लोरेशन भी की। फिर 4 से 6 जो था वो एक जिसे कहते हैं पैनल डिस्कशन टाइप थी, जिसमें कि 8 पैनलिस्ट थे, अरोड़ा जी ने मॉडरेट किया उसको, वाइस चांसलर्स और डायरेक्टर्स वो सारे बैठे थे उसमें। तो ये कुछ एक टेक अवेज हैं जो आपके सामने स्क्रीन में रखे हैं। तो मैं मेरी तरफ से इतना ही है, धन्यवाद।